अच्छा ठीक संडे है, तक मेरा क्लास का पूरा नोट्स खत्म हो जाएगा। मैं अच्छा इसका ठीक है, पूरा नोट्स ना यहाँ तक पूरा नोट्स लिख लूंगा, फिर जज आपका। जन्मीदास बाबू वीडियो ऑन कीजिए। जन्मीदास बहुत सारा शैतान नहीं आया, चलो ठीक है सर, लिमन से आपने पढ़ो। उसको म्यूट क्यों कर दिया? हाँ बाबू बहुत बहुत बोल रहा, बोलते चलो ठीक है, बहुत साउंड। देखो शर्ट्स क्या बाबू, कल ही आपको बताए थे शर्ट्स कुछ नहीं। किस क्लास का सिलेबस है बाबू, LKG UKG का बाबू, कुछ इसमें है बाबू? देखो शांति से समझना, समझ में आ जाएगा, शांति से समझना, कुछ नहीं, इतना खाली बाबू लिख दिया गया है ना, कुछ नहीं, डरना नहीं, ये सब कुछ नहीं है ना, ये सब बाबू टीचर के लिए लिखा गया, आपके लिए नहीं लिखा गया है ना, आप खाली भावना समझो है ना, वो भावना समझो, उसी में तेज बनो। देखो शर्ट्स क्या बाबू, कल आपको बताया था शर्ट्स क्या बाबू, ग्रीन कलर नहीं ना यूज है, शर्ट्स क्या बाबू, शर्ट्स क्या है, तो आपको अभी तक हमने बताया था बाबू, बताया था है ना, एक्सपोनेंट के बारे में है ना, एक्सपोनेंट के बारे में है ना, पावर के बारे में, जैसे 2 रेस टू द पावर 2 लिखते हैं है ना, ठीक है, या 2 रेस टू द पावर क्या लिखते हैं सर, 3 लिखते हैं कि नहीं बाबू, या 2 रेस टू द पावर क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। तो पावर जब बाबू पूरा का पूरा होल नंबर रहता है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहेंगे या पावर कहेंगे है ना, एक्सपोनेंट का 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। लेकिन सर मन में डाउट आ गया, लेकिन सर क्या बाबू, क्या अगर पावर सर फ्रैक्शन में आ जाए, 2 के पावर 1/2 है ना, 2 के पावर 1/3 है ना, ठीक है, तो जब पावर बाबू फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो इसी को क्या कह दिया गया, इसी को क्या कह दिया गया, शर्ट्स कह दिया गया, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जब भी बाबू कोई बेस है उस पर पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, शर्ट्स कहेंगे। अस्मिता वीडियो ऑन करो ना, जानवीदास ऑन कीजिए बाबू, अभी सियोना नहीं आई है ना, जानवीदास उसी को हम लोग क्या कह देंगे बाबू, शर्ट्स कह देंगे, शर्ट्स कहेंगे है ना, शर्ट्स कहेंगे, ठीक, बात समझना समझना है ना, तो वही लिखा है, वही लिखा है। शर्ट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बाबू, शर्ट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, LKG का चीज है, LKG का चीज है, देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करें है ना, शर्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करें है ना, कैसे रिप्रेजेंट करें बाबू, तो एगो चम्मच लेना, इस तरह से चम्मच शेप ले लेना है ना, ऐसे बाबू, ऐसे है ना, ऐसे हैंडल हो गया, ऐसे करके, ऐसे करके, तो यहाँ नहीं हो गया चम्मच शेप है ना, ठीक है बाबू, आई यहाँ से ऐसे खाओ है ना, ये स्पून टाइप का शेप है ना, कुछ कुछ ऐसे ना होता है बाबू स्पून है ना, कुछ कुछ ऐसे होता है, क्या दिक्कत है ना, ऐसा बोला स्पून है ना बाबू, ठीक, तो इसी को थोड़ा सा बढ़िया से बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, अच्छा नहीं लगा ऐसे बना है ना, ठीक है, तो शर्ट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें बाबू है ना, तो इस फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं बाबू, ये जो सिंबल है इसका नाम है, इसका नाम है कैसे, आपका नाम है अस्मिता कछुआ है ना, उसी तरह से इसको जो नाम है वो, इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल साइन कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकल साइन कहेंगे, ठीक। इसके अंदर बाबू कोई नंबर लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ हो लिखो, कुछ हो लिखो है ना, कुछ हो लिखो, मान लो सर 10 लिख दिए है ना, किसी को मन किया 50 लिखने का, किसी को मन किया, हाँ प्रखर बाबू ऊपर ही क्लास चल रहा है, प्रखर ऊपर क्लास चल रहा है ना टेरिस पे, ठीक है वो लगे रहे, ठीक है, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट है ना, अस्मिता ऑन करो ना, जानवी दास सुन नहीं रही है, श्रुति श्रुति तो कूटेंगे सबको, शैतान को, मेरा लैपटॉप खराब कर दिया, सब वीडियो खाली बंद बंद करके खराब कर देता, ठीक नेक्स्ट तो बोलो, वीडियो अच्छा ठीक देख है, लीजिए तो फिर। अच्छा ठीक, ये इसके अंदर कोई हम नंबर लिखे बाबू, 10 20 50 60 70 80 कुछ कुछ लिख देंगे, मन क्या सर 100 लिख दिए, लिख दो, तो ये जो नंबर हुआ ना बाबू, इसका कुछ नाम है, नाम है, नाम है, इसको जो नंबर है अंदर बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकेंड कहते हैं है ना, इसके अंदर जो नंबर लिखे हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकेंड कहेंगे है ना, तो जनरल फॉर्मूला के लिए यहाँ पे मान लेते सर लिख देते 10 20 50 की जगह कुछ लिख देते हैं, मान लो क्या लिख दिए बाबू, ए लिख दिए, मान लो क्या लिख दिए, ए लिख दिया, तो ए मेरा क्या हो गया बाबू, रेडिकेंड हो गया, मन से समझना, LKG का चीज है, ए क्या हो गया, रेडिकेंड हो गया, ठीक। यहाँ जो चम्मच है बाबू, इसमें दूध डालोगे ना, पियोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ भी बाबू कुछ कुछ डिजिट होता है, शांति समझना, यहाँ भी बाबू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ हो सकता है ना, तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा, यहाँ पे जो नंबर रहेगा है ना, यहाँ पे मेरा मन कर रहा है सर 5 लिखना, शांति सुनना, यहाँ पे मन किया सर मेरा 5 लिख देने का है ना, तो ये चम्मच के बाबू इसमें इसमें यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ शर्ट्स कहेंगे है ना, ऑर्डर ऑफ शर्ट्स कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ शर्ट्स कहेंगे, बस कुछ नहीं है ना, तो 5 की जगह इसको हमने क्या लिखा बाबू, एन लिख देते हैं ना, एन लिख देते हैं ना है ना, तो किसी नंबर को बाबू, जैसे एक चम्मच ले लो, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो है ना, तो यही आपका क्या बन गया, शर्ट्स बन गया, यही क्या बन गया, शर्ट्स बन गया है ना, शर्ट्स बन गया है ना, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये जो स्पून शेप है, ये जो स्पून शेप है इसको कहते हैं रेडिकल साइन, चम्मच के अंदर जो रहेगा, स्पून के अंदर रहेगा उसको हम लोग कहेंगे रेडिकेंड, इसके बाहर में यहाँ जो इसमें इसमें इस भैली शेप में जो रहेगा उसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ शर्ट्स कहेंगे, ठीक ठीक बाबू है ना, अब समझना, अब समझना, यहाँ पे कंसेप्ट है, समझना है ना, समझना है, ठीक
नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना, रौनक बाद में लिखेगा बाबू, पहले समझिए, लिखने में बिजी है, लिखने का टाइम देंगे बाबू, ठीक। अंशुजीत इसको तो कूट देंगे, सही ना, एक तो होमवर्क बना के नहीं रहा दीजिए, इतना पीटेंगे ना, सही कहते ना, बंद के लिए कहता, झूठ भी बोलना शुरू किया है, हम मैंने झूठ बोल रहे हैं बाबू, हाँ झूठ बोलना भी शुरू कर दिया, हद करते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्या कह देंगे, शॉर्ट्स कह देंगे। अब शांति समझना है ना, शांति समझना, ठीक ठीक बाबू, शांति समझना है ना। नेक्स्ट बाबू, इसको हम लोग एक तरह से और रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग एक तरह से और रिप्रेजेंट करते हैं ना, है ना, और रिप्रेजेंट कैसे सर, यहाँ जो नंबर है, ये नंबर, अरे चम्मच को हटा दो, चम्मच को हटा दिया सर, तो चम्मच को हटाओगे तो उसके बदले कुछ ना कुछ लिखोगे ना, तो यहाँ जो नंबर रहेगा इसको क्या कर देना, वन बटा डिनोमिनेटर में लिख देना। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, ये बाबू क्या है, ए है, रेडिकल साइन ए है, इसको पढ़ने बताएंगे, है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ए है तो यही ए, ए दे देना, ठीक। और ये पूरा साइन को हटा के, पूरा साइन को हटा के, है ना, क्या देना, पावर वन बटा एन कर देना, है ना, पावर एन बटा वन बटा एन कर देना, है ना। तो ये हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म, ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट फॉर्म, है ना, ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया, ये सर्ड्स आ गया, ये सर्ड्स फॉर्म हो गया, क्या हो गया, सर्ड्स फॉर्म हो गया ना, सर्ड्स फॉर्म हो गया, ठीक। ये अलग किसी का चीज है, कुछ है ना, ठीक है वो। अब शांति से समझना, है ना, डेफिनेशन क्या लिखा, इफ ए इज ए रेशनल नंबर, शांति समझना, अंदर में क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, है ना, ये मेरा क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर क्या सर, एक दो तीन चार, रेशनल में बताया जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गए सर, उसको रेशनल नंबर कहते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक जगह थ्री भी रेशनल नंबर है सर, बताया था ना, फोर भी मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर है, फोर बाई टू भी क्या है, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे कोई क्या होगा सर, रेशनल नंबर होगा, है ना, ठीक बाबू। एन भी बाबू पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे बाबू कोई इंटीजर होना चाहिए, क्या होगा, इंटीजर होगा, एक दो तीन पॉजिटिव, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना, है ना, है ना बाबू, ठीक। तो देन बाबू ये बाबू nth ऑर्डर ऑफ, बाबू nth ऑर्डर ऑफ a इज बाबू एन इरेशनल नंबर। अब शांति समझना, ये जो हुआ, ठीक, अब इसका जो वैल्यू आएगा, शांति समझना, इसका जो वैल्यू आएगा, अगर इरेशनल नंबर आएगा तभी इसको सर्ड्स कहेंगे, अगर अदरवाइज इसको सर्ड्स नहीं कहेंगे। ध्यान से सुनना, अगर बाबू यहाँ रेशनल नंबर, यहाँ कोई इंटीजर है, तो इसको सोल्व करोगे ना, सोल्व करने के बाद इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए ना, तभी ये सर्ड्स होगा, अदरवाइज ये सर्ड्स नहीं होगा, है ना बाबू, वही लिखा है, इतना इज कॉल्ड बाबू, देन इतना, है ना, nth ऑर्डर ऑफ ए बाबू इज कॉल्ड बाबू, है ना, सर्ड्स ऑफ nth रूट, है ना, nth रूट, है ना, ये क्या कहलाएगा, nth रूट का क्या कहलाएगा, सर्ड्स कहलाएगा। शांति समझो, शांति समझो, अब इसको समझने की कोशिश करो, हमने क्या बोला, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सर, फोर लेते हैं, ठीक, यहाँ पे टू लेते हैं, तो इसको हम सर्ड्स कहेंगे कि नहीं कहेंगे सर, अगर इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद, अगर रेशनल नंबर, शांति रहो, नहीं कहेंगे, ठीक है ना, अगर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर क्या सर, जैसे थ्री बाई टू बाबू, फाइव बाई थ्री बाबू, या क्या बाबू, फोर भी मेरा रेशनल नंबर है, बताए थे ना, फोर के डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो क्या वन हो गया, टू भी मेरा रेशनल नंबर है, कैसे सर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है वन, है ना, तो टू भी मेरा क्या बाबू, रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यदि इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा तो हम लोग कहेंगे ये सर्ड्स है, और अगर रेशनल नंबर आ गया तो कहेंगे सर्ड्स नहीं है। लाख रुपया की कंसेप्ट है ना बाबू, शांति से समझना है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है, शांति से सुनो, देखो ये सर्ड्स होगा कि नहीं होगा, देखो देखो, एल के जी का चीज है ना, एल के जी का चीज है, लिखना नहीं है, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है, सियोना नहीं आया, उसका मम्मी फोन करना पड़े। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मम्मी क्या पढ़ाई है, टू हो गया, मम्मी नहीं पढ़ाई है फोर को टू मल्टीप्लाई टू लिखने के लिए, हाँ सर ये तो पढ़ाई है ना, ठीक बाबू, शांति से समझो, ठीक। पहले इसको रुको 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 रुको, अभी हम आपको क्या बोले, अभी हम आपको क्या बोले, फोर है तो ये चम्मच हटाओगे तो पावर कितना हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। ये बाबू ये जो ये चम्मच वाला शेप है, ये रेडिकल साइन है, इसको हटाओगे तो यहाँ जो भी ऑर्डर रहेगा एक्सपोनेंट में क्या, वन बाई टू हो जाएगा, ठीक बाबू, समझना समझना है ना। नेक्स्ट बाबू, हम ये कह रहे हैं बाबू ये आपका सर्ड्स नहीं है, देखने में तो सर्ड्स लग रहा है ना, देखने में कितने बाबू मासूम आप लगते, लेकिन मासूम होते हो नहीं ना। फोर को मम्मी क्या पढ़ाई है, टू मल्टीप्लाई टू पढ़ाई है कि नहीं, हाँ सर ये तो पढ़ाई है, टू मल्टीप्लाई टू के पावर टू लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना, टू के पावर टू लिखेंगे ना, हाँ सर लिखेंगे सर, टू मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, टू के पावर टू,
अब पावर क्या, 1/2। हमने पढ़ाए थे बाबू एक के पावर एम के पावर एन, पावर दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 के पावर 2 × 1/2, 2 कैंसिल, 2 के पावर 1 कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 मेरा रेशनल नंबर हो गया ना मेरे लाल। हाँ सर, जब 2 मेरा रेशनल नंबर हो गया तो ये सेट्स नहीं बनेगा, बात समझो कोई भी बाबू सेट। समझ नहीं आया बाबू, थोड़ा सा बेसिक कमजोर है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया, हो जाएगा बर्दाश्त कीजिए, है ना, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। स्वाति सेट्स का एग्जांपल दीजिए तो। दे रहे हैं लाल, दे रहे हैं, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुआ अंकित, अभी बाकी है। रौनक वीडियो कहाँ बंद है बाबू, ए रौनक, रौनक चलो ठीक है, हमने क्या बोला बाबू। हाँ बाबू शांति से सुनना, ये बाबू 4 है 2 है, तो बाबू इसका सिंप्लीफाई करने के बाद अगर वैल्यू क्या रहा, इरेशनल नंबर आ रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैड्स कहेंगे। अगर रेशनल नंबर आ गया तो उसको हम लोग सेट्स नहीं कहेंगे, सेट्स नहीं करेंगे। बहुत सारा एग्जांपल आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। क्या होते हैं इरेशनल नंबर बाबू, जिसको आप पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो, शांति से समझो। इरेशनल नंबर हम लोग उसको कहते हैं बाबू, उसको कहते हैं बाबू जिसको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो, है ना, मतलब बाबू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, मतलब कोई भी नंबर बाबू, जैसे 1.2345 आई, मान लो आगे आते जा रहा, आते जा रहा, आते जा रहा, आगे आते जा रहा, डेसिमल के बाद कोई नंबर है बाबू जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, फिनिश नहीं हो रहा है ना, आते जा रहा, आते जा रहा, तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। इसको बाबू कैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मेट में लिखा हो, है ना, जैसे 1.5 है तो इसको आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मेट में लिख सकते हो, 15/10 करोगे ना बाबू, है ना, 15/10 हो गया, है ना, 15/10 हो गया, तो उसको भी तो कर सकते हैं, 0 आते जाएगा, हाँ आते जाएगा तो खत्म नहीं ना हो रहा, डिवाइड बाई डेसिमल हटाओगे तो डिवाइड बाई कितना जीरो लिखोगे, आगे आपको पते नहीं, आते जा रहा कितना आएगा पते नहीं, पते नहीं, पते नहीं, पते नहीं, है ना, है ना। अरे मेरे लाल, जैसे 1.5 है तो ये तो पता है ना कि 5 के बाद कुछ हो ना, कुछ जिंदगी खत्म हो, खत्म हो गया, तो इसका पता है सर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को उसमें कन्वर्ट। अरे बाबू बताएंगे, ये 15 है और डिवाइड बाई कितना हो गया, 10 हो गया, तो 15/10 हो गया, तो इरेशनल नंबर हो गया ना। हाँ सर, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद आपको डिजिट पते नहीं है, है ना, कि कब फिनिश हो जाएगा, ये आते जा रहा, आते जा रहा, नंबर ऑफ डिजिट पता नहीं, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ डेसिमल के बाद एक से दो डिजिट था तब ये 10 हुआ, समझा अंकित? यस सर। हाँ, तो अगर कोई इस तरह से नंबर है बाबू जो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म हुई है नहीं रहा, डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म हुई है नहीं रहा, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहें, तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, क्या कहेंगे, मन से पढ़ना, एक एल के जी का चीज है, ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर, ठीक ठीक है बाबू। तो बाबू यही आपको लिखा है बाबू, कुछ नहीं लिखा है, ये है बाबू, इसको हम लोग, ये है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्ट्स कहेंगे। तो सर्ट्स तभी कहना बाबू जब इसका वैल्यू क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, इसका वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, अभी बता रहे हैं, बता रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर इरेशनल नंबर आ गया तो इसको सर्ट्स कहेंगे, नहीं आया तो सर्ट्स नहीं कहेंगे, सीधा सी बात समझो, अभी बता रहे हैं, ठीक। तो वही लिखें इसको बाबू, nth ऑर्डर ऑफ a है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ जो नंबर है वो लिख दो, और ये जो बाबू ये रेडिकल साइन है, इसको 1/n के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो ये ध्यान देना, सर्ट्स को nth ऑर्डर ऑफ a है ना बाबू, है ना, nth ऑर्डर ऑफ a है ना, तो इसको a रेज टू द पावर 1/n लिख सकते हैं, यहाँ n है तो 1/n हो जाएगा, 1/n, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, तभी इसको सर्ट्स कहेंगे, ठीक। यहाँ बाबू ये नामकरण किया गया, इसको हम लोग रेडिकल साइन कहते हैं, a वाला ये रेडिकल साइन का अंदर जो रहेगा उसको रेडिकेंट कहेंगे, और चम्मच में जो बाबू दूध पीता हुआ रहेगा उसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट वर्ड, इसको रीड कैसे करेंगे सर, इसको पढ़ेंगे कैसे सर, तो nth रूट ऑफ a होगा, पहले किसको प्रोनाउंसिएशन करना, यहाँ पे रहेगा जो, जैसे थर्ड रहेगा तो थर्ड रूट ऑफ a, तो थर्ड रूट ऑफ a को स्पेशल नाम क्यूबिक कहेंगे, 2 रहेगा स्क्वायर कहेंगे ना, है ना। तो इसको कैसे पढ़े, nth रूट ऑफ a, मान लो अंदर पावर रह जाएगा, तो nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर m, देखो एक दो एग्जांपल बताते हैं फिर पढ़ने के लिए, फिर आपको बता रहे हैं कि कब सर्ट्स होगा नहीं, है ना, सर्ट्स होगा नहीं होगा, सारा बच्चा लिख लिया था ना, जो नहीं लिखा था वो वीडियो देख लेना, शैतान बहुत सारा स्टूडेंट नहीं आया, अस्मिता काहे इतना वीडियो बंद होता बाबू, मन से पढ़ना साल नहीं, प्रखर लेट से कहा था बाबू सत्यान,
हाँ बाबा देखो सियोना नहीं आई है, आनंद आनंद नहीं आया, दूगो हो गया, ट्रेन पे है सब। सियोना कहाँ नहीं पता उसको, ट्रेन पे है। अच्छा आनंद ट्रेन पे है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट और है बाबू, और बहुत सारा नहीं होगा। अनुज है, सम्यक है, श्रुति, चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, फॉर एग्जाम्पल कैसे पढ़ेंगे बाबू? मान लो बाबू यहाँ ध्यान देना, ये थ्री है, यहाँ नहीं कुछ मेंशन है, यहाँ नहीं कुछ मेंशन है, तो बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। टू है, यहाँ नहीं कुछ मेंशन, मतलब टू समझना रे। इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट। इसको क्या? स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट क्या पढ़ेंगे? थ्री है तो थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, अभी आपको पढ़ने के लिए सिखा रहे हैं। यहाँ मान लो थ्री, यहाँ फोर है, है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे? थर्ड रूट ऑफ फोर, थर्ड रूट ऑफ फोर पढ़ेंगे। nth रूट है ना, तो थर्ड रूट ऑफ फोर, थर्ड रूट पढ़। अरे मेरे लाल, थर्ड रूट ऑफ फोर पढ़ो तो वो सब थोड़ा सा ऑड हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट, है ना। क्यूब रूट पढ़ेंगे, तो क्यूब रूट क्या पढ़ेंगे बाबू? क्यूब रूट ऑफ फोर पढ़ेंगे। क्यूब रूट ऑफ क्या पढ़ेंगे? फोर पढ़ेंगे, फोर का क्यूब रूट। नेक्स्ट बाबू, मान लो यहाँ फोर है सर, यहाँ फाइव है, तो इसको क्या? फोर्थ रूट ऑफ फाइव पढ़ेंगे। फोर्थ रूट ऑफ फाइव, ठीक। ये सब पढ़ने के लिए आपको सिखा रहे हैं, एकदम बेसिक से शुरू किए। इससे जिंदगी बेसिक है ही नहीं सर, में स्कूल में टीचर पढ़ाएगा हावो नहीं लगेगा और फिर उलबुल आना शुरू कर देगा, तब ना बाबू। इसको सोचो ना, आपके स्कूल का बाबू बहुत सारा बच्चा, अपने बच्चे से पूछ ना फ्रेंड से, उसका अपना स्कूल का बुक नहीं बन पाता, अपने स्कूल का नहीं बन पाता, इससे बड़ा दुखी की बात क्या हो सकता है। मान लो यहाँ सेवंथ है, यहाँ बाबू कितना है? इलेवंथ है, तो क्या पढ़ेंगे? सेवंथ रूट ऑफ इलेवन, सेवंथ रूट ऑफ इलेवन, ठीक। यहाँ मान लो एक बार पावर आ जाए, इसको भी पढ़ने के लिए बता देते हैं। फिफ्थ नंबर लिखे सर। अरे मेरे लाल, रुको ना, जैसे टू है, यहाँ पावर फोर हो गया, इसको क्या पढ़े बाबू? तीन है बाबू, तो क्यूब पढ़ना, दो नहीं कुछ रहेगा, नहीं कुछ रहेगा तो स्क्वायर पढ़ना, नहीं कुछ रहेगा तो स्क्वायर पढ़ना। क्यूब रूट ऑफ बाबू, क्यूब रूट ऑफ टू रेज टू द पावर फोर, हाँ टू रेज टू द पावर। ये सब किस क्लास का बाबू? एलकेजी का, सारा का सारा एलकेजी का। अरे शैतान, इतना जल्दी है? क्यूब रूट है बाबू टू रेज टू दी पावर, टू रेज टू दी पावर फोर। शैतान, अभी टाइम नहीं हुआ, दस मिनट अब लेट चलेगा। आप लोग लेट से आते तो हम क्या करें, टाइम पे आओ तो टाइम हो गया है। कितना हो गया? नेक्स्ट बाबू, ऐसे तो मेरा जिंदगी बर्बाद। अच्छा ठीक है, दस मिनट लेट आ जाए, ऐसे तो बाबू हम जिंदगी में पढ़ाते ना। अच्छा यस सर। हाँ क्यूब रूट ऑफ टू रेज टू द पावर फोर होगा ना? क्यूब ना, क्यूब है, क्यूब रूट ऑफ फाइव रेज टू द पावर फोर सर। दस सर। हाँ बाबू, फोर्थ रूट, ये क्या है बाबू? फोर्थ, लिखो लिखो लिखो, फोर्थ रूट बाबू, फोर्थ रूट ऑफ फाइव रेज टू द पावर फोर, रेज टू द पावर, लिखिए। अब नेक्स्ट आपको पहचाने बताएंगे कि कौन थर्ड शो होगा कि नहीं होगा, है ना। कौन कौन गायब है, थोड़ा अटेंडेंस का हिसाब किताब करते हैं बाबू। आप लोग को संडे को, संडे को तैयार रहे? हाँ, कौन नहीं आया? संडे को टेस्ट होगा क्या? हाँ संडे को टेस्ट प्राइज वाला होगा, वो महीना शुरू हो गया ना, आप लोग भी अपना अपना पेमेंट थोड़ा कर दीजिएगा, आसान हो जाएगा। कितने बजे? संडे को 7 बजे सुबह, आप लोग का तो वही रूटीन है। सालनी आई है, स्वाति आई है। सर आपने मार्च का अटेंडेंस टेस्ट नहीं लिया? अरे मार्च में विजिट करने दिखे हैं तो 600 रुपया दिया नहीं बाबू सबको, हद करते हो, कितना अथी करोगे? कहाँ लिए सर? लिए दिए थे सर बाबू, आप विजिट करने का आए थे तो? हाँ सर, दिए थे, दिए थे। हाँ बाबू, अंकित आया है, लक्ष्मी आई है, पीयूष,
नवादा पीयूष सर इस बार दोनों का टेस्ट ना लीजिएगा सर, अटेंडेंस टेस्ट भी और मंथली टेस्ट भी। हाँ बाबू करंट चैप्टर से जो पढ़ाए इधर करंट चैप्टर से लेंगे ताकि सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाए। पीयूष आया, पीयूष बाबू कहाँ हो? उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा पीयूष नहीं जी को टाइम। अच्छा ठीक है शैतान आया तो था पीयूष। पीयूष बाबू नवादा पार्टी नहीं आया? चलो गौरव बाबू, गौरव तो था जी। यस सर बाबू गौरव था, मोहित भी है, सौरभ भी है, सपना आनंद सपना नहीं है, सपना ट्रेन पे है। आज कई तारीख है? वो छह अप्रैल सपना, श्रुति है, अंकित मंगला है, लीसा है, सत्यम है, धर्मवीर बाबू, धर्मवीर धर्मवीर सर। और विजिटिंग करने कब आइएगा सर इधर? संडे उंडे को तैयार रहे पिटाने के लिए। धर्मवीर भी नहीं आया है, धर्मवीर भी नहीं है। क्या बाबू क्या लक्ष्मी आए थे लक्ष्मी वहीं पे बाबू लक्ष्मी? यस सर वहीं पे धर्मवीर है बाबू। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, आनंद गायब है। सर इस बैच में बहुत ज्यादा बच्चे हैं सर, तो कभी कभी किसी किसी का अटेंडेंस नहीं कट पाता है सर, तो आप बीच में अटेंडेंस रोज ले लिया करिए। अरे सारा का भरा हुआ बाबू बताएंगे। चलो ठीक है अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इतना लिखो जल्दी से। अब सर हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे सर कि सर्च होगा कि नहीं होगा, है ना कैसे पता करेंगे सर कि सर्च? नेक्स्ट कंसेप्ट लास्ट नंबर इरेज नहीं किया सर। फिजिक्स सर फिजिक्स का टाइम सर फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा? पढ़ाएंगे अभी पढ़ाएंगे। कितना टाइम हुआ? 43 सर। ठीक है पढ़ाते फिजिक्स से पढ़ाते हैं, जल्दी से लिखो लिखो। क्या पढ़ाएगा फिजिक्स में सर? एक बार बता दिए सर। गाड़ी चलाएंगे। ग्राफ नहीं पढ़ना है क्या? नहीं ये सबको ग्राफ नहीं पढ़ना, भाग जाएगा शैतान। ग्राफ पढ़ाएंगे तो सब एक्सेलरेशन गाड़ी चलाएंगे हम लोग गाड़ी चलाएंगे। मेरा गाड़ी वही नहीं, जब वेलोसिटी में कोई चेंज आता है उसके स्पीड में उसके डिस्टेंस में तो एक्सेलरेशन फॉर्म होता है। हाँ मेरा गाड़ी चलाना। ठीक है सर समझाइए, मैं जा रही हूँ मैथ में। जल्दी बाबू एक मिनट बाबू, स्क्रीन शेयर कर देते फुल एचडी में हो जाएगा। चलो ठीक है